ফটোগ্রাফ ফটো তুলছি হুম তার রিয়েল আসল মাল তো ফটোগ্রাফ ফটো হুম দে আর themselves self-suffice, self-sufficient to take decisions. But it's very unfortunate in our society we are not capable of giving them that status. One, Majid, principal, members, teachers, staff, students from NCC and NSS Wing, whose career has been shaped here. By the worthy faculty in this place. We are again among you all to celebrate, but it is our role, role of each and every sector. Thank you, thank you. Thank you, thank you. एक्चुअली हमारे यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हो रही है. प्लांटेशन मीन्स टू कल्टिवेट प्लांट्स, जो हमारी सोसाइटी में आजकल ज़्यादा नहीं हो रहा है. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्लांट्स काटे जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ का माहौल, हर चीज़, ग्लोबल वार्मिंग मेन कॉजेज है हर चीज़ के रिगार्डिंग. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी छोटी सी पहल से हमारी सोसाइटी, हमारी आगे की फर्दर जनरेशन को थोड़ा मोटिवेशन मिले, वो भी समझे कि ग्रीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन कितना इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली, हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स कि आज की सोसाइटी में वुमेन्स को वो राइट्स मिलने चाहिए कि जो एक ज़माने में वो मतलब नहीं पा, मतलब वो नहीं पा सकते हैं. वी वॉन्ट कि हर वुमेन, हर लड़की इंडिविजुअली इतनी मतलब सफिशेंट बन पाए कि वो हर सोसाइटी में जिस तरीके से लड़के होते हैं वैसी मतलब इक्वली ट्रीट किया जाए उनको हर हिसाब में. जो आजकल उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर हिसाब में. जैसे मैम ने कहा कि वो कौड़े मोहनियों उनको बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि आपको पराए घर जाना है, आप लोग घर के अंदर हो. इन केस जो लड़के होते हैं उनके लिए सोच थोड़ी डिफरेंट है. आई वॉन्ट कि हमारी सोसाइटी में जो सोच है लोगों की, हमारे पेरेंट्स की या जो भी लोग हैं ऐसा सोचते हैं, उनकी सोच चेंज हो जाए. तो हमारी छोटी सी पहल है उसके लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एक मिशन के तहत हो रहा है, स्वच्छ भारत के मिशन के तहत, स्वच्छ अनंतनाग, ग्रीन अनंतनाग के इसमें हो रहा है, मिशन के तहत हो रहा है. तो इट्स वेरी गुड. तो अच्छा है, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स टू अवॉइड पोल्यूशन. पोल्यूशन उससे कम हो जाएगा. इट्स बेटर फॉर अस टू कीप अवर एनवायरमेंट ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री. बापू का एक सपना था कि एक स्वच्छ भारत बने. उसी के चलते हम लोग उनके सपने को पूरा कर रहे हैं, और बहुत हद तक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पूरा कर भी चुकी है. उसी के मद्देनजर हमने सोचा कि हम इस कॉलेज में आके स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्लांटेशन ड्राइव करें, और इन यंग चिल्ड्रन के साथ में. तो उस एम के साथ में हमने तकरीबन 70 के करीब सैपलिंग्स यहाँ पर प्लांट किए हैं, और आगे भी हम ये इनिशिएटिव करते रहेंगे. धन्यवाद सर. थैंक यू सर.